नवी मुंबई में 17 अगस्त को 240 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 21,000 पार करते हुए 21,140 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 3,503 तक पहुंच चुकी है। नवी मुंबई हाइलाइट्स। बता दें कि नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में आज गिरावट देखने को मिली और डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में आज इजाफा देखने को मिला। बता दें कि आज नवी मुंबई में सबसे अधिक 51 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोपर खैरने विभाग से पाए गए, 50 मरीज नेरुल विभाग से पाए गए, वहीं 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज घनसोली विभाग से पाए गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर कोविड-19। बता दें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की कुल संख्या 53,907 दर्ज की गई है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की आज की संख्या 2,584, आरटीपीसीआर टेस्ट की कुल संख्या 40,703 और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोरोना जांच की संख्या 94,610। ऑल इज वेल, आज नवी मुंबई के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि आज 470 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 17,126। बता दें कि कोरोना मुक्त डिस्चार्ज मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 81% दर्ज की गई है। कोरोना वायरस इन किड्स। बता दें कि आज 10 साल और उससे कम उम्र के कुल 14 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि 0 से 10 साल के एज ग्रुप में आज कितने बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि आज एरोली में 2 लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया, घनसोली से आज 2 लड़के कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कोपखेरने से 1 बच्ची और 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, नेरुल से 1 लड़की 2 लड़के कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सीवुड से 1 लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि जुईनगर से 2 लड़के आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि कोपखेरने में 6 वर्षीय 1, 7 वर्षीय 1, 8 वर्षीय 1 और 9 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं एरोली में 7 वर्षीय 1 और 1 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, घनसोली में 5 वर्षीय 1 और 8 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, नेरुल में 8 वर्षीय 2 और 9 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि जुईनगर में 4 वर्षीय 2 बच्चे और 6 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में शामिल हैं 183 महिलाएं और 287 पुरुष। बेलापुर से 34 महिलाएं और 60 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। नेरुल से 31 महिलाएं और 50 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। वाशी से 15 महिलाएं, 28 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। तुर्भे से 12 महिलाएं, 16 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। कोपखेरने से 40 महिलाएं और 52 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। घनसोली से 27 महिलाएं, 45 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। एरोली से 22 महिलाएं, 33 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, जबकि दीघा से 2 महिलाएं और 3 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नवी मुंबई में आज कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि आज एरोली में 23, कोपखेरने में 51, बेलापुर में 16, दीघा में 1, घनसोली में 45, जुईनगर में 6, नेरुल में 54, रबाले में 1, सानपाड़ा में 10, सीवुड में 7, तुर्भे में 3 और वाशी से आज 23 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बता दें कि एरोली सेक्टर 4 से 6, सेक्टर 5 से 2, सेक्टर 9 से 1, सेक्टर 16 से 2, सेक्टर 19 से 2, सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 7 से 2, सेक्टर 6 से 2, सेक्टर 20 से 1, चिंचपाड़ा से 1, सेक्टर 8 ए से 1, सेक्टर 9 ए से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। वहीं सानपाड़ा की तरफ बढ़े तो सेक्टर 4 से 2, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 8 से 2 और सेक्टर 30 से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तुर्भे की तरफ बढ़े तो तुर्भे सेक्टर 21 से 1, सेक्टर 22 से 1, तुर्भे स्टोर से आज 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। कोपखेरने की तरफ बढ़े तो सेक्टर 2 से 3, सेक्टर 4 से 3, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 9 से 3, सेक्टर 15 से 3, सेक्टर 16 से 3, सेक्टर 19 से 2, सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 3 से 2, सेक्टर 7 से 3, सेक्टर 10 से 5, सेक्टर 11 से 4, सेक्टर 12 से 2, सेक्टर 6 से 2, सेक्टर 17 से 1, बोनकोड़े से 3, सेक्टर 19 सी से 2, पावने गांव से 2, वहीं सेक्टर 12 बी से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। जुईनगर की तरफ बढ़े हैं तो जुईनगर सेक्टर 25 से 1, सेक्टर 23 से 4, सेक्टर 24 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या दर्ज की गई। बेलापुर की तरफ बढ़े तो करावे गांव से 1, सेक्टर 2 से 1, सेक्टर 19 से 1, सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 25 से 2, सेक्टर 20 से 1, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 1 ए से 2, अग्रोली गांव से आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए।
रबाले की तरफ बढ़े तो रबाले गांव से एक, वहीं दिघा अर्जुनवाड़ी से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। वहीं सीवुड सेक्टर 23 से एक, सेक्टर 48 से चार, सेक्टर 50 से एक और सेक्टर 44 ए से एक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। नेरुल की तरफ बढ़े तो नेरुल सेक्टर 2 से 7, सेक्टर 4 से 3, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 19 से 2, सेक्टर 10 से 4, सेक्टर 11 से 4, सेक्टर 6 से आज 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 20 से 4, सेक्टर 21 से 5, सेक्टर 14 से 1, शेराउंडे से 3, सेक्टर 10 ए से 2, सेक्टर 16 ए से 1, सेक्टर 27 से 4, सेक्टर 19 ए से 1, सेक्टर 18 ए से 1 और सेक्टर 58 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। वाशी की तरफ बढ़े तो कोपरी गांव से 1, सेक्टर 2 से 2, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 10 से 2, सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 12 से 1, सेक्टर 17 से 2, जिहू गांव से 2, सेक्टर 30 से 1, सेक्टर 26 से 1, सेक्टर 31 से 1, सेक्टर 13 से 1, सेक्टर 26 ए से 1, सेक्टर 29 से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं घनसोली की तरफ बढ़े तो सेक्टर 4 से 2, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 9 से 6, सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 3 से 2, सेक्टर 7 से 6, सेक्टर 6 से 3, घनसोली गांव से 6, महाजड़े आली से 2, सेक्टर 30 से 1, गोठिवली गांव से 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं तलवली से आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन से एज ग्रुप में आज सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। बता दें कि 0 से 10 साल के एज ग्रुप में 14, 11 से 20 के एज ग्रुप में 16, 21 से 30 के एज ग्रुप में 38, 31 से 40 के एज ग्रुप में 54, 41 से 50 की एज ग्रुप में 62 और 50 से अधिक के एज ग्रुप में आज 56 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। दुखद घटना, बता दें कि आज नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण से कुल 5 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 511 तक पहुंच चुका है। मृतकों में शामिल है सेक्टर 44 सीवुड 70 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, सेक्टर 6 नेरुल 72 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, सेक्टर 8 सांडपाड़ा 64 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 22 तुरभे 57 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 8 एरोली 58 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। तो चलिए डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड 19 टेस्ट जनसंख्या 94,610, कोरोना पॉजिटिव केस 17 अगस्त 2020 यानी आज 240, कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 21,140, कोरोना के एक्टिव केस 3,503, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 2,38,786, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 21,944, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 17,126, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 17 अगस्त 2020 यानी आज 470, रिपोर्ट प्रलंबित 709, कोरोना से मृत्यु का कुल आंकड़ा 511 और आज कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा दर्ज किया गया 5। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।